लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें कैसे खुल गईं। उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब मैं देख सकता हूं। ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि ये सब्त का दिन नहीं मानता। एक पापी व्यक्ति ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? तब उनमें फूट पड़ गई। उसने तेरी आंखें खोली हैं तो तू उसके विषय में क्या कहता है? वो भविष्य देखता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वो अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी उसके माता पिता को बुलाकर न पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब कैसे देखता है? हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है और न ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो सियाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वो सयाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने जन्म से अंधे को बुलाकर दूसरी बार उससे पूछा, परमेश्वर के आगे सच बोलने की शपथ ले, हम जानते हैं तेरी आंखें खोलने वाला पापी है। मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं, मैं अंधा था और अब देख सकता हूं। उसने तेरे साथ क्या किया? उसने किस तरह तेरी आंखें खोली? मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की, परंतु इस व्यक्ति को नहीं जानते कि वो आया कहां से है। यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हैं। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। तू तो पापों में जन्मा है और उसी में बड़ा हुआ, और तू हमें सिखाता है। और उन्होंने उसे आराधनालय से बाहर निकाल दिया। जब यीशु ने सुना क्या हुआ था तब वो जाकर उस व्यक्ति से मिला, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। मुझे विश्वास है प्रभु। और उसने यीशु को दंडवत किया, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, कहीं तेरा अर्थ ये तो नहीं कि हम अंधे हैं? यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है।